प्रवक्ता ब्यूटी कल्चर राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर से LRDC TTC जोधपुर के तहत वीडियो लेक्चर में आज शंख प्रक्षालन के ऊपर कुछ बताना चाहूंगी आपसे। आपको शंख प्रक्षालन यह एक वारिसार धोती क्रिया कहलाती है। धोती क्रिया का ही एक रूप होता है। शंख प्रक्षालन का मेन उद्देश्य होता है पेट की सफाई। जिन्हें कब्ज की प्रॉब्लम होती है उसको ये क्रिया कराई जाती है। इस क्रिया को करने से आंतों के अंदर फंसा हुआ जो मल होता है वो बाहर की ओर निकलता है और कब्ज की शिकायत दूर होती है। इस क्रिया को करने के लिए सबसे सर्वप्रथम 3 लीटर पानी को गर्म किया जाता है, जो हमारे बॉडी टेम्परेचर से 5 डिग्री ज्यादा गर्म होना चाहिए। उसके अंदर 25 ग्राम नमक को मिलाया जाता है। जब वह पानी गुनगुना रह जाता है तब इस प्रॉब्लम से ग्रस्त व्यक्ति को कागासन में बैठाकर, जैसे कि हम लघु शंका के लिए बैठते हैं उसे कागासन की स्थिति कहा जाता है, उसमें बैठा के 3 से 4 गिलास नमक मिला हुआ पानी पिलाया जाता है। पानी पीने के बाद उसे 4 योगिक क्रियाएं कराई जाती हैं। तिर्यक ताड़ासन, तिर्यक भुजंगासन, कटी चक्रासन, उद्राकर्षण। तिर्यक ताड़ासन करने के लिए जमीन पे दरी चटाई या कंबल बिछाकर उस पे पैरों के बल सीधे खड़े हो जाएं। अब पूरे शरीर को सीधा रखते हुए दोनों हाथों को कान की सीध में ऊपर की ओर ले जाएं और धीरे धीरे शरीर को पंजे के बल ऊपर की ओर ले जाना है, जिसमें श्वास लेते हुए ऊपर की ओर जाएंगे। जब पूरा शरीर ऊपर की ओर स्ट्रेच हो जाता है तो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं कमर से सिर तक के भाग को घुमाया जाता है। इस क्रिया को 8 बार करें। इसके बाद में तिर्यक भुजंगासन करते हैं। तिर्यक भुजंगासन करने के लिए जमीन पर दरी चटाई या कंबल बिछाकर पेट के बल लेट जाएं, दोनों पंजे धरती पर स्पर्श करें, दोनों हाथों की हथेलियों को चेस्ट के नीचे रखें। अब कमर से सर तक के भाग को श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठाएं, गर्दन को दाईं ओर पीछे की तरफ घुमाकर पैरों के एड़ी और पंजों को देखें, फिर वापस सीधे होएं, फिर बाईं ओर गर्दन को घुमाकर पैरों के पंजे और एड़ी को देखें। इस क्रिया को 8 बार करें। इसके बाद में कटी चक्रासन किया जाता है। इसके लिए जमीन पर दरी चटाई या कंबल बिछाकर सीधे खड़े हो जाएं, दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का फासला रखें, दोनों हाथों को कंधे की सीध में सामने की ओर फैलाएं, श्वास की गति नॉर्मल रखें। अब दोनों हाथों को दाएं से बाएं, कमर से सर तक के भाग को दाएं से बाएं पीछे की ओर घुमाएं, फिर बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। इस क्रिया को भी 8 बार करें। इसके बाद में चौथी क्रिया उद्राकर्षण की जाती है। जमीन पर दरी चटाई कंबल बिछाकर कागासन की स्थिति में बैठें, दोनों हाथों को दोनों घुटनों के ऊपर रखकर, हथेलियों को रखकर, अब बाएं पैर के घुटने को दाएं पैर के पंजे पर स्पर्श करना है। ऐसा करने पर दाएं पैर का जो पंजा होगा वो भूमि पर रहेगा, एड़ी ऊपर की ओर उठेगी, फिर बाएं पैर के घुटने को दाएं पैर पर और दाएं पैर के घुटने को बाएं पैर पर स्पर्श करें। इस क्रिया को भी 8 बार करें। उसके बाद जो ये अभ्यास कर रहा है उसको अगर लघु शंका की स्थिति होती है तो वह लघु शंका त्याग हेतु जाए और लघु शंका त्याग करने के बाद पुनः 3 से 4 गिलास पानी पिए और इन चारों आसन को तिर्यक ताड़ासन, तिर्यक भुजंगासन, कटी चक्रासन और उद्रासन को 4-4 बार पुनः करें। फिर करने के बाद पुनः लघु शंका के लिए जाएं। इस क्रिया को तब तक करते रहना है जब तक कि लघु शंका करते समय शरीर से सादा पानी ना निकलने लगे। इस क्रिया को करने के बाद जो अभ्यासी है उसको 40 मिनट का शवासन करना चाहिए। शवासन करने के आधे घंटे बाद उसको सात्विक भोजन करना है, जिसके अंदर मूंग दाल की और चावल को मिलाकर खिचड़ी बनाई जाती है। उसके अंदर गाय का शुद्ध देशी घी डालकर उसका सेवन करें। इस क्रिया को वीक में 1 बार करें।
इससे कब्ज की शिकायत दूर होती है, पेट संबंधी रोगों में आराम मिलता है। धन्यवाद।